हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर हम बात करेंगे WWE के करंट चैंपियन के बारे में जिन्होंने रीसाइन कर लिया एक और फिर से WWE के साथ। इसके अलावा बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की TLC के अपोनेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में भी, और साथ में बात करने वाले हैं जॉन सिना के कैप्टन बनने के बारे में। तो देख इस बात की शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले WWE के करंट चैंपियन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, जो कि स्मैकडाउन लाइव में कम्पीट करते हैं, और वो हैं द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा। क्योंकि अपडेट्स का मानना ये था कि हमें रेसलमेनिया 35 के बाद शायद शिंसुके नाकामुरा WWE में दिखाई दें और वो एक बार फिर से NJPW में जाकर कम्पीट करने वाले। लेकिन आपको बता दो, शिंसुके नाकामुरा ने एक बार फिर से रीसाइन कर लिया WWE के साथ डील, यानी कि रेसलमेनिया 35 के बाद भी हमें शिंसुके नाकामुरा WWE में कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर अपडेट्स का मानना कुछ इस तरह से कि जो मई में यूरोपियन टूर होने वाला WWE का, वहां पर शिंसुके नाकामुरा को एडवर्टाइज किया। तो हम यहां से बात कह सकते हैं कि शिंसुके नाकामुरा रेसलमेनिया 35 के बाद भी कहीं नहीं जाने वाले और वो स्टिल हमें WWE के अंदर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है दी मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में और उनके TLC के पे-पर-व्यू पे एक अपोनेंट के बारे में। क्योंकि रिसेंटली यहां पर WWE इस बात को एडवर्टाइज कर रही थी, वहां पर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने के लिए मिलने वाला। लेकिन अब WWE ने इसको अपडेट कर दिया और जो ब्रॉन स्ट्रोमन का अपोनेंट है वो चेंज हो चुका है TLC के पेपर व्यू के लिए। और यहाँ पर जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसका मानना ये कि अब हमें बैरन कॉर्बन एक सिंगल्स मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन का फेस करते हुए नजर आने वाले। यानी कि अब वो जो एरिना है जहाँ पर TLC का पेपर व्यू होने वाला है, वहाँ पर ये चीज़ एडवर्टाइज हो रही है कि अब बैरन कॉर्बन हमें सिंगल्स मैच में दिखाई देने वाले हैं दी मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट। और फिलहाल WWE इन्हीं दोनों सुपर स्टार्स के बीच हमें फ्यूड दिखा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट ऑफ फाइनल अपडेट के बारे में, जुड़ी जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना के कैप्टन बनने के बारे में। तो कैप्टन बनने से मेरा मतलब यह है कि जॉन सिना आने वाली एवेंजर्स की मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हुए नजर आ सकता है। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो भी फिलहाल कैप्टन अमेरिका बने हैं एवेंजर्स की मूवी में, उनका कहना यह था कि जो एवेंजर 4 आने वाली यानी कि एवेंजर्स की अपकमिंग मूवी, पॉसिबली हो सकता है उसमें वो रिटायरमेंट ले लें, यानी कि कैप्टन अमेरिका उसके बाद हमें फिल्मों में ना दिखाई दे जो कि अभी फिलहाल बने हुए उसमें, और साथ में या फिर ये भी हो सकता है हमें उसमें कैप्टन अमेरिका का डेथ सीन देखने के लिए मिल, यानी कि उसके बाद कैप्टन अमेरिका का वो वाला रोल खत्म हो जाए और आने वाले एवेंजर्स की सीरीज में हमें जॉन सिना आते हुए नजर आए और जॉन सिना हमें कैप्टन अमेरिका की एवेंजर्स की सीरीज में आते हुए नजर। और पॉसिबली यहां पर रिसेंटली जॉन सिना ने इस बात को भी टीज कर दिया जब उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फोटो को पोस्ट किया जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जॉन सिना भी इस बात को खुद ही टीज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में पॉसिबली वो अपना कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर सकते हैं एवेंजर्स की मूवी में। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जॉन सिना एवेंजर्स की मूवी में हमें आते हुए नजर आते। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप देखना चाहोगे जॉन सिना को एवेंजर्स की मूवी में या फिर नहीं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।